Hello friends, welcome once again. And today we are practicing the questions of biodiversity and ecology. First one is, which one of the following represents maximum number of species globally? Amphibians, mammals, fishes, birds. तो इन चारों में से fish सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी स्पीसीज जो पाई जाती हैं फिलहाल यहाँ जो चार ऑप्शन है उसमें से फिश है. सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर अमेजोन रेन फॉरेस्ट लंग ऑफ द प्लेनेट ये तो सही है. आर्बोरिटा एक्सीटू ये भी सही है. मानस बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय ये गलत है ये असम है. लंटाना ये भी सही है. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला यानी ये मिसमैच पेयर है. यहाँ आसाम होना चाहिए मेघालय नहीं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स. फर्स्ट इन नेशनल पार्क्स प्राइवेट ऑनरशिप इज परमिटेड नहीं ये गलत है फॉल्स है. The bamboos and tree cotton originated in India ये सही है. Orthodox seeds are those seeds which get killed on reduction of moisture and exposed to the low temperature ये भी गलत है. यानी first false है ये true हो गया और third वाला false है. Fourth वाला in access to conservation Endangered species are protected from all adverse factors. Yes, correct. ये true है. यानी second और fourth true है. Second and fourth true है. First और third false है. सही. ये D वाला option सही हो गया इसका. Then, diversity present in ranges of communities as represented by diversity of ecosystem over a total landscape. तो ये गामा डाइवर्सिटी होती है जहाँ पे पूरा लैंडस्केप यूज़ किया जाता है वो गामा डाइवर्सिटी होती है. अल्फ़ा बीटा गामा इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा इकोलॉजी के चैप्टर में. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट्स कवर लेस देन 2% ऑफ द टोटल एरिया बट कंटेन 44% ऑफ द स्पीसीज ये करेक्ट है. ईस्टर्न घाट्स एंड अरावली हिल्स आर हॉटस्पॉट रीजन ऑफ इंडिया ये गलत है. वेस्टर्न घाट होता है. वेस्टर्न घाट हमारा हॉटस्पॉट है. इंडिया के जो NCERT में दिया है उसके अकॉर्डिंग 3 हॉटस्पॉट दिए हुए हैं. वेस्टर्न घाट हिमालय और अंदमान निकोबार इंडो बर्मा रीजन जिसे कहते हैं. देन हॉटस्पॉट्स आर द एरिया विद हाई एंडेमिज्म एंड हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस ये सही है. If they are properly conserved, they will reduce extinction by 40%. तो इसमें से सेकेंड वाला गलत है और फोर्थ वाला भी गलत है यानी ऑप्शन डी सही होगा. Species which are restricted to a particular area or region are called endemic species. ऐसी species को हम endemic species कहते हैं. These are endemic species. Which does not comes under the evil quartet. Evil quartet में कौन से चार चीज़ें जो सॉरी चार चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं वो कौन सा नहीं आता है. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन एलियन स्पीसीज इन्वेशन इंटेंसिव एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर कभी भी एविल क्वार्टेट में नहीं आ सकता क्योंकि ये बेसिक नीड है. ठीक है तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर. Now question number 8. Which among the following statement is incorrect? Species richness and area turned out to be rectangular hyperbola for a wide variety of taxa. सही है. Tiger and Steeler's sea cow have become extinct due to the habitat loss and fragmentation. Paul and Rich has proposed a rivet popper hypothesis for The effect of decrease of biodiversity on the ecosystem ये भी सही है. Species diversity influence biotic interactions and stability of community
ये भी सही है, यानी बी वाला ही ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए मैच द फॉलोइंग में कोशिश करिए कि जो आपको पहले आता है उसे पहले मैच करा लेते हैं, जैसे जिंको बाइलोबा ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद मास एक्सटिंक्शन, ठीक, इसी तरह से सिमलीपाल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसमें से जो आपको बहुत अच्छे से आता हो पहले उसे हम मैच कराते हैं। ओके, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है इसमें से बारबेरिस नीलगेरियंसिस, यानी ए का थ्री ये है, और सिमलीपाल कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में, यानी सी का वन हो गया। ठीक है, जिंको बाइलोबा एक ऐसा ट्री है जिसकी जो इकलौता बचा है, यानी इसमें सिर्फ बाइलोबा नाम की स्पीसीज बची है, बाकी इसके सारे ट्रीज सारे स्पीसीज गायब हो चुके हैं, इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। तो डी को हम किस में डाल सकते हैं, डी का ऑफ साइड कलेक्शन, यानी बाहर इसको ले आते हैं, ऑफ साइड कलेक्शन करते हैं, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्ट डिफरेंस या सेंचुरी बताना है। मीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फाउना नेशनल पार्क एंड मीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली फाउना सेंचुरी, सही है। बाउंड्रीज इज नॉट वेल डिमार्केटेड, सेंचुरी में बाउंड्रीज इज वेल डिमार्केटेड, अच्छा। नेक्स्ट सी वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट हार्वेस्टेड, फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर हार्वेस्टेड। कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज़ नॉट परमिटेड, कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज़ परमिटेड। तो चारों ऑप्शन में से एक्चुअली बी वाला ऐसा है जो प्रॉब्लमेटिक है, यानी इसको कह सकते हैं कि इनकरेक्ट डिफरेंस दिया है। बाउंड्री इज़ वेल डिफरेंट डिमार्केटेड और वेल डिफाइंड इन द नेशनल पार्क, इसकी बाउंड्री बिल्कुल फिक्स होती है नेशनल पार्क की। सेंचुरीज की बाउंड्री फिक्स नहीं होती, ये घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका है इनकरेक्ट पेयर है डिफरेंस का। नाउ 11, शैनन इंडेक्स यूज्ड इन इकोलॉजिकल स्टडीज मेजर्स स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इक्वेटेबिलिटी, इवोल्यूशन, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। एक्चुअली इवोल्यूशन को ये मेजर नहीं करता है, स्पीसीज रिचनेस को करता है, स्पीसीज इक्वेटेबिलिटी को करता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा बोथ ए एंड बी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, तो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इसमें से निकालना है। सेक्रेट लेक की बात कर रहे हैं तो खेचियो पालरी, जल्दापारा सेंचुरी पंजाब, काजीरंगा राइनोसोरस, रन ऑफ कच्छ जंगली गधे, एशियाटिक वाइल्ड एस। एक्चुअली जल्दापारा वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में नहीं है, तो ये मिसमैच हो गया। द नेक्स्ट वन इज इन वेस्टर्न घाट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। तो अगर किसी ने सर्वे पढ़ा हो या नॉर्मली कोई भी रिफ्रेशमेंट बुक वगैरह पढ़ी हो तो उसमें बहुत आसानी से दिया हुआ है कि दीज आर द एम्फीबियंस, सो दीज आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एंडेमिक में।